ये लो अम्मा चाय। फीकी चीनी खत्म हो चुकी है। और अम्मा आटा भी खत्म हो गया है। अरे भैया एक ही दफा में बता दो, बार बार क्यों मारे देती हो? इस घर में तो सभी कुछ खत्म हो गया है, ऐश आराम सुकून खाना पीना सब कुछ। अरे तो क्या करूं मैं बताओ, क्या करूं? अपनी ताकत से बढ़कर काम करती हूँ, जो भी कमाती हूँ तुम्हारे हाथ में लाकर रखती हूँ। 2 रुपए का 1 गिलास ठंडा पानी मिलता है, वो तक नहीं पीती मैं पूरे दिन में। अब इससे ज्यादा क्या करूं बताओ। तो तुम्हें क्या लगता है अम्मा, तुम्हारे जाने के बाद हम चारपाई तोड़ते रहते हैं? अरे सारा दिन लिफाफे बनाते हैं, बनाते बनाते कमर टूट जाती है। बड़ी मेहरबानी है आपकी, एहसान है आपका मुझ पर। अम्मा तू ये बातें छोड़, तुझे देर हो रही है, अगर दफ्तर का टाइम निकल गया तो सारा दिन क्या करेंगे हम? अरे है देखो, बातों में लगा लेती है मुझे, दिहाड़ी का वक्त है ये, जा मेरा शॉपर लेकर आ काकी। अम्मा ये कितने? 30 हैं पूरे। और कल कितने थे? 21। अच्छा चलो, अल्लाह करे आज भी 10-15 बिक जाए तो कुछ काम बने। काकी तू जाके बर्तन धो, मैं ले पकाती हूँ। ठंडा पानी मेरी किस्मत में कहाँ है, मेरा गर्म पानी ठीक है, मेहरबानी तेरी। तेरे नाल मिलाइया अखिया, वे तू फेर भी दूरियां रखिया। आ गई तू मनहूस? हाँ आज मुझे ना देर हो गई, इसी वजह से ना मेरे 2 सिग्नल निकल गए। हाँ हाँ तो सिग्नल भी तेरे इंतजार में बंद रहता ना। अरे सिग्नल भी बंद रह सकता है अगर ये मर्द होता, फिर देखती मैं कैसे निकलता। हाँ बेशरम, इतना तैयार होके बल संवर के तू झाड़न बेचने आती है या खुद को? भाई देख, अगर मैं इतना बल संवर के ना आऊँ ना यहाँ पे तो सारा दिन मेरी एक भी झाड़न ना बिके। भाई अभी तो मैं 2 घंटे में अपनी झाड़न बेच के तो फारिग हो जाती हूँ, तू शाम तक यही बैठी रहती है। अरे अल्लाह बचाए मुझे ऐसी फरावत से। अरे वो तेरी बेशरम माँ तुझे यहाँ भेजकर खुद घर पे सोती पड़ी होती है। अरे मेरी माँ कहाँ सोती है बेचारी, सारा दिन तो कोठी पे काम करती है। अरे तो पैसा क्यों कमाती हूँ माँ बेटी, 2 जान तो? अपने जहेज के लिए बनाती हूँ और क्यों बनाती हूँ, शादी नहीं करूँगी क्या मैं? अरे सिग्नल बंद हो गया मासी, चला जल्दी से आ, जल्दी 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 आ, जल्दी आ जल्दी आ मासी आ ना। अरे मासी होगी तेरी माँ, ये मासी मासी किसको कहती रहती है? वैसे लगती तो तू मासी है। आ जा जल्दी से आ मासी, जल्दी आ। बेगैरत, हर्रफ़, बेहया, बेशरम, इसकी अदाओं की वजह से अब मेरी बिक्री रह जाएगी, जिसे नहीं खरीदना वो भी खरीद लेगा, मैं यहाँ चिकती रहूंगी। झाड़न ले लो, झाड़न ले लो।
क्या हुआ? ना रगड़ रगड़ के हाथ क्यों धो रही है? कुत्ता चाट गया है। तू क्यों आती है यहाँ? देख मासी, अभी मेरा दिमाग नहीं खराब कर, चुप हो जा। बहुत मुंह खराब है मेरा वैसे ही। जानती तो है ना तू सब, एक माँ, 9 बच्चे और एक उसका नशई मियाँ। अकेले पूरे टब्बर को लेके कैसे संभालेगी वो? इसलिए उसका साथ देती हूँ। कोई खुशी से काम नहीं करता, तुझे पता है ना मासी। और ये जो फटे पुराने कपड़ों में फिटकार ज्यादा शक्ल के ऊपर जो लड़कियाँ घूमती है ना बेचने के लिए, कुछ नहीं मिलता इनको। तेरी तो शक्ल देख के ना जो है लोगों को तरस आ जाता है, इसलिए मदद कर देते हैं। पर मेरी जवानी पे तो ये मनुष्य कमीने जितने भी हैं ना, ये नजरें गाड़ के बैठे हुए होते हैं। बड़ा कुछ सीख गई है तू शानू। अरे मासी, वक्त और हालात जो है ना, इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। कॉलेज में और स्कूल में पढ़ने से ये बातें नहीं आती, ये तजुर्बा हमें रोडों पे फिरने से ही मिलता है। कभी कभी मुझे लगता है तू 100 साल बुढ़िया है। तू ना आया फिर यहाँ? सारा दिन गिनती में गुजर जाता है। सुबह सुबह अम्मा की झाड़ने गिनो, उसके बाद अपने लिफाफे। काश ऐसा भी दिन आए कि सिर्फ पैसे गिनते रहें। बस बस आपा, ज्यादा शेख चिल्ली मत बना, जाकर रोटी बनाओ। मैं ये सारा काम खत्म कर लेती हूँ। सारे झाड़न बिक गए। हाँ तो और क्या, सारे बिक गए। तू यहीं बैठी रहेगी या चलेगी? अरे कहाँ जा सकती हूँ, अभी तो सिर्फ 10 ही बिके हैं। वो 5 बजे वाली टीम आती है ना, उसमें मेरी ज्यादा बिक्री होती है। जब तू नहीं होती मनहूस, तेरी वजह से मुझसे नहीं लगता कोई झाड़न। मैं तो सोच रही हूँ तेरी वजह से अपना सिंगर ही बदल लूं मैं। भाई देख मासी, बिजनेस के कुछ असूल होते हैं। ठेले वाले और स्टोर वाले के माल में फर्क हो ना हो, पर मुनाफे में फर्क होता है। अरे मैं तो कहती हूँ तू भी अपना जरा स्टाइल बदल के तो देख। दफा हो यहाँ से, तेरा स्टाइल सब पता है मुझे, तेरा कारोबार क्या है, जहन्नम की आग है ये। लामी तो कमर ही दुख गई आपा। मेरी तो उंगलियों में दर्द हो रहा है अब। एक काम करना आपा, थोड़ा सा दूध मंगा लेना, अम्मा भी थकी हुई आएंगी, चाय बना लेंगे तो थकावट उतर जाएगी। चलो ये रखो। अल्लाह करे ये चुड़ैल आए नहीं तो अच्छा है। कम वक्त मारी, बीमार भी तो नहीं पड़ती, मरती भी नहीं है। अगर वो ना आए तो 150-200 रुपए मुझे और मिल जाए ऊपर। अरे साहब, साफ 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 ये झाड़ लेना साहब। 20-30 रुपए में सब बहुत अच्छी है। आपकी गाड़ी कसम से देखे इतनी चमका देगी है। देखें नहीं चाहिए साहब। साहब ले लेना साहब। कह रहा हूँ ना नहीं चाहिए, माफ करो। क्या मतलब है माफ करो? मैं कोई फकीर नजर आती हूँ क्या आपको? भीख नहीं मांग रही साहब, मैं अपनी झाड़नों का सौदा कर रही हूँ आपसे। नहीं चाहिए झाड़ने। साहब झाड़न ले लो, साहब झाड़न ले लो, झाड़न ले लो साहब। मेरी गाड़ी में झाड़न रखने की जगह नहीं है। ये लो तुम पैसे ले लो। मैं खैरात नहीं लेती साहब, और ये तुम्हारे कर के पैसे बचे हुए ये भी रख लो तुम। ये लो। तुम्हारी यही खुददारी मुझे अच्छी लगती। ये लो 2 झाड़न। झाड़ने दो। दो ले लो साहब। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, इससे भी बड़ी गाड़ी दे। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे साहब, बहुत खुश रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीते रहो साहब। कम वक्त मारी, आ जाती है पता नहीं कहाँ से चुड़ैल। उससे तो साहब जी फौरन झाड़न खरीद लेते हैं, मेरी झाड़नों में उन्हें कीड़े नजर आते हैं। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। देख लूंगी, लूंगी बदला देखना एक दिन जरूर। 200 में से
175 का आ गया सौदा और बचे ये 55 रुपए। अभी तो दूध का और हांडी के लिए भी कुछ करना था। 55 रुपए में क्या करूं मैं? उफ, मेरे अल्लाह तू ही मेरी कुछ मदद कर। अरे जोहरा, क्या सोच रही हो? परवीन, अरे क्या सोचना है मैंने? मुझे फिक्र है, परेशानियां कम है, और क्या सोचूंगी, बस हांडी रोटी और क्या। ये हांडी चूल्हे के अलावा भी कुछ सोचा है तुमने? दो जवान बेटियां हैं तुम्हारी, उनकी शादी के बारे में। अरे परवीन, मैं कहां कर सकती हूँ उनकी शादी? यहाँ तो खाने पीने की मुश्किल पड़ी है, फिर शादियां कहाँ से होंगी? ये तो अब तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। जवान बच्चियां सारा दिन घर में अकेली रहती हैं। जमाना बहुत खराब है बहन। हाँ जमाना खराब है, मेरी बच्चियां खराब नहीं है। जानती हूँ, जब भी तो कह रही हूँ मुनासिब वक्त पर फारिग हो जाओ। भाई मुझे तो तुमसे हमदर्दी है, इसीलिए कह रही हूँ। बताओ, चलाऊं कहीं बात, रिश्ता करवाऊं मैं? खैर से, अब तो तुम सब कमाने भी लगे हो। हाँ मैं बताऊंगी तुम्हें। अम्मा, ये लिफाफे तैयार है, दुकान तक पहुँचा। अरे सुबह लेकर जाऊंगी भाई, अभी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रानी। क्या बात है अम्मा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है, तबीयत को क्या होना है। भाई अल्लाह, अम्मा तुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तू बैठ मैं दवा लेकर आती। नहीं नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे बस। तू क्यों हमें घर में इस तरह छुपा कर रखती है? तुझे क्या लगता है बाहर दुनिया हमें खा जाएगी? इतना अंधेर नहीं है अम्मा? ऐसा ही अंधेर है रानी, मैं सारा दिन सड़क पर यही तमाशा देखती हूँ, तुझे नहीं पता बस नहीं जाएगी तू बाहर कहीं। तू क्या समझती है, तेरी बेटियां दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां, घर से बाहर निकलेंगी तो लोग पकड़ने के लिए उन्हें बैठे? अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, तू धूप में मत जला कर अम्मा। बार कहा है कि तू छड़न बेचने ना जाया कर, इसीलिए तो हमेशा तुझे बुखार हो जाता है। अब छड़न बेचने मैं जाऊंगी, तू आराम कर, मैं दवा लेकर आती हूँ। नहीं रानी सुन, अम्मा लेट ही रहे। नहीं मेरे पास और रानी, रानी, अरे बेटा क्या वक्त हो गया? अम्मा 8 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। 8 बज गए, जगाया क्यों नहीं, काम पे जाना है मुझे। क्या हो गया अम्मा, इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें? आज तुम काम पे नहीं जाओगी, बस छुट्टी है। अरे पागल हो गई है, छुट्टी कैसे करूंगी मैं? अम्मा तुम आज नहीं जाओगी बस। अरे कोई बात नहीं बेटा, दवा खा लूंगी मैं, ठीक हो जाऊंगी। जा मुझे एक कप चाय बना दे बस, मैं निकलूंगी। अम्मा एक दिन की छुट्टी कर लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, कौन सा हम मर जाएंगे। अरे पता है नहीं मरोगी, लेकिन बिजली का बिल भी देना है, कट जाएगी वरना। और ना चावल है, ना चीनी है, ना दाल है, एक सब्जी भी नहीं है पकाने को, कुछ तो लाऊंगी। अच्छा अम्मा ठहरो, जाओ मुंह धो, मैं चाय बनाती हूँ। जा वो छापर लेकर आ और जरा गिन ले कितने हैं। तौबा है अम्मा, कितनी जिद्दी हो तुम, कभी हमारी बात ना मानना। पूरे 15 है। 15 है, अच्छा ठीक से गिन लिए ना? अरे अम्मा कौन सा बोरी भर के थे, 2 दफा गिन लिए मैंने। अच्छा अच्छा चल, मैं जरा कुल्ली कर लूँ, मुझे चाय पिला दे बस मैं जाऊँ। इधर क्यों बैठी है, आज झाड़न नहीं बेच रही है ना?
ये लो साहब जी। क्या रेट लगाया है? 20-20 रुपए। 20 रुपए? मैं ज्यादा दूंगा, आएगी क्या? आज तो तेरी अम्मा भी नहीं आई। आ जा। ले, आ गई मेरी अम्मा, अभी तेरी नियत साफ करती है। आया बड़ा कहीं का तो यहाँ से मनुष्य ना हो तो। क्या हुआ मासी, खैर तो है? आज इतनी लेट क्यों आई है? अरे बुखार हो गया था रात को, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। अरे तो घर पे आराम करना था ना, आने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, ताकि तेरी मौजें हो जाती। तू तो चाहती है मैं मर जाऊँ। अरे मासी, मैं क्यों चाहूंगी कि तू मरे? मरे तेरे दुश्मन, मैं तेरी कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। चला यहाँ बैठ, आ जा आराम से। चला शाबाश, बैठ जा। चल अब तू यहाँ आराम कर। ला छाड़ाने में भेज देती हूँ तेरी। चल बढ़िया ही मेरी हमदर्द, जा तू अपना काम कर, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। झाड़न ले लो, 20-20 रुपए में झाड़न ले लो। मासी, मासी, अरे तेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, तू जा ना घर पे, यहाँ क्यों बैठी है? नहीं शानू, आज मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकती, खाली हाथ घर नहीं जा सकती मैं। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी भाई, मेरी तो सारी छाड़ने बिक गई हैं, मैं तो घर जा रही हूँ। तू यहाँ शाम तक बैठी रहेगी ना, 20 रुपए भी नहीं आएंगे तेरे पास, ऐसे ही बैठी रहे बस। भैया झाड़न ले लो, एक झाड़न ले लो भैया 20 रुपए का। झाड़न ले लो भैया, एक झाड़न ले लो भैया 20 रुपए का। भैया ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया, आज एक झाड़न ले ले भैया, एक झाड़न ले ले बस, आज एक जरूर ले ले। एक ले ले, अल्लाह तेरा बहुत भला करेगा। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है भैया, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, अल्लाह पाक की कसम एक रख ले, बस एक रख ले, बस ये रख ले। कितने का है सारा सामान? 1000 के हैं भैया, तू 800 दे दे। 2000 रुपए दूंगा तुम्हें, तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानते हो। चलवाओ बैठो गाड़ी में। सोच क्या रही हो, बैठो जल्दी करो।
या इतने झाड़न, उफ, झाड़न झाड़न। तुझे कहा था ना अम्मा, आज काम पे ना जा। कितना तेज बुखार हो रहा है तुझे, ले पानी पी ले। ले अम्मा पानी पी ले। सारा सौदा मंगवा ले, बिजली का बिल भी जमा करा दे। अम्मा 2000 रुपए? सारी झाड़न बिक गई? कैसे किया तूने? वो तेरी दवा मंगा लूं, थोड़ी सी मुर्गी भी मंगा लेती हूँ, तुझे अभी यखनी पिलाती हूँ। हाँ मंगा ले, तू आराम कर। जा काकी को खाना दे। अम्मा का टाइफाइड तो बढ़ गया है, हम इतना महंगा इलाज कहाँ से कराएंगे? ये सब अम्मा की बेएहतियाती और लापरवाही की वजह से हुआ है। हमारे मना करने के बावजूद बुखार में चली जाती थी। पहले कागज लाकर देती थी तो हम लिफाफे बनाते थे। जब अम्मा की ऐसी हालत रहेगी तो नौबत फाखू तक आ पहुंचेगी। क्यों, माजूर हैं? अरे हमारे हाथ पांव सलामत हैं, खुद कमाएंगे, कमाकर खा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कल से मैं अम्मा के झाड़न लेकर जाऊंगी। मगर अम्मा तुम्हें? अम्मा को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने का शौक है, मैं फाके नहीं कर सकती। मैं सुबह जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। खाना खाओ। उफ काकी मेरा सर फट रहा है। अम्मा मैं जा रही हूँ। काकी इसको समझा, मत जा रानी, बेटा तुझे वहाँ का कुछ पता नहीं है। मैं सारा दिन वहाँ अकेली मर्दों की नजरें बर्दाश्त करती हूँ, तो कुछ नहीं जानती। दुनिया बहुत जालिम है बेटा, वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं और तुझे तो नजरों की कोई पहचान भी नहीं है। मत जा रानी, मैं खुद जाऊंगी बेटा, मैं खुद जाऊंगी। अम्मा बुरी औरतों पर मर्द बुरी नजर डालता है, तेरी बेटी बुरी नहीं है। अम्मा तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं मुंह छुपा कर जाऊंगी। अम्मा काकी मैं से कैसे समझाऊं, ये कुछ नहीं जानती बेटा, तू कुछ नहीं जानती रानी, कैसे समझाऊं? अम्मा खुदकुशी करने वाले और फाके करने वाले इंसान अल्लाह को सख्त नापसंद है, और मेहनत में कैसी बुराई।
झाड़न भेजती थी ना वो गाहक। चला, अरे सिग्नल बंद हो गया, जल्दी जल्दी भाग के आ जा। अरे साहब जी आप ना रोजाना झाड़ने उससे ले जाते हैं, मुझसे तो आप झाड़ने लेते ही नहीं है साहब जी। एक झाड़न ले लेना मुझसे साहब जी। इसको देख रहे हैं, ये जोरा की बेटी है रानी, वही जोरा जिसको आप रोजाना झाड़ने लेके जाते हैं और जो आपके घर भी जाती है। वो आना साहब जी, आप ना इससे झाड़ने ले लें। पता है सुबह से इस बिचारी की ना एक रुपए की भी कमाई नहीं हुई है साहब जी। ये ले 100 रुपए। चल पांच दे झाड़न, गिन के एक दो, एक और देना 4 5। ये ले साहब जी, शुक्रिया साहब जी। आजा जल्दी से आजा वहां पे। ये देखो काकी, अंधेरा हो गया, ये लड़की अभी तक वापस नहीं आई। अम्मा भी आ जाएगी, इतनी देर तो नहीं लगानी चाहिए। लो जी अम्मा, आ गई तेरी रानी। सुबह से तेरा नाम ले लेके अम्मा ने मेरे सर में दर्द कर दिया। क्यों? आ गई हूँ अम्मा। कितने झाड़न दिखे, पता नहीं कौन सा वो खुश नसीब दिन होगा जब मेरी सारी झाड़ने बिक जाएंगी। अरे नहीं बिटिया, खुश नसीब नहीं बदनसीब दिन होगा। कुछ नहीं पता तुझे। क्यों? जब तू सारी झाड़ने बेच सकती है तो मैं क्यों नहीं बेच सकती? सुबह से अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। मुझे लगता है बुखार इनके सर पे चढ़ गया है। तू जा मेरे खाना लगा। अब मुझे लगता है हमें ना अम्मा का इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो कोई फायदा नहीं हो रहा है अम्मा को। लेकिन हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? आ जाएंगे पैसे। जिस तरह ये पैसे कमाती हैं, मैं भी कमा सकती हूँ। हैं? क्या कहा इसने? ये क्या कहा तूने? रानी, क्या कहना चाहती है तू? तू अच्छी तरह जानती है मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या हुआ है बिटिया, किसी ने कुछ कहा है तुझे? हैं? बोलना रानी, बोलना बेटा, किसी ने कुछ गलत किया है क्या? ये गलत तो तू करती आई है हमेशा हमारे साथ। ये सारी झाड़ने कैसे बिक जाती है? क्यों बिक जाती है? तू कहती थी ना गलत जरिए से कमाए हुए पैसे कभी नहीं खा सकती, यही सिखाती थी ना तू मुझे। तू जानती है तू क्या कह रही है? जानती हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तुझे क्या लगता है इस घर में बंद करके तू चली जाएगी और अपनी सारी हकीकतें छुपा लेगी? क्या छुपा लूंगी रानी, क्या जानती है तू? बोल ना, क्या जानती है? जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू किस तरह झाड़नों के पीछे खुद को छुपाकर बेचती आई है। अरे ये 14-15 झाड़ने बेच के ना कुछ नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तो सारे लोग अपनी अपनी मजबूरियों की दलदल में उतरे हुए हैं। शानू, तुझे पता है हर रोज जब मैं झाड़न बेचकर घर जाती हूँ
तो अम्मा मुझसे पूछती है कि कितनी झाड़न बिकी। डरती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली हाथ आ गई हूं। अपनी तसल्ली के लिए वापस से गिनती है। ऐसा क्यों करती है वो? आज जब तू सारी झाड़ने बेच के जाएगी ना घर, तो तुझे खुद पता चल जाएगा। लेकिन कैसे, इतनी झाड़न कौन लेगा? कौन लेगा? अरे वो जो बड़ी सी गाड़ी में साहब आते हैं ना, वो लेंगे। और कौन लेगा? वो ही तो सारी झाड़ने लेते हैं तेरी माँ से। वो देख, तूने ना बातों में सारा सिग्नल बंद करवा दिया। चला जल्दी आ जा। साहब जी खोले साहब जी, खोले साहब जी, झाड़न ले लें। अच्छा साहब जी, वो इधर आना साहब जी, ये मेरी सहेली है, इसकी ना झाड़ने ले लें। पता है ये बहुत मजबूर है बेचारी, इसकी ना माँ बीमार है साहब जी। हैं? कितने के हैं? 2000 रुपए। 4000 रुपए दूंगा। 4000? अब ठीक है, तू जा ना। अरे लेकिन मैं क्यों जाऊं? अरे पागल समझा कर, इधर देख, 4000 रुपए मिलेंगे। 4000 रुपए, जा पागल हो गई, आ जा चल। साहब आ रही है, जा जल्दी 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 जा। ओहो चल ना जल्दी, आ बैठ। अच्छा झाड़न देखे ना, आ जाइयो वापस, ठीक है? जा जाओ। बस ये तुम्हारी माँ के पैसे। इसका मतलब है अम्मा? अपनी माँ के बारे में कोई भी ऐसी बात मत करना। फिर ऐसा कुछ नहीं है तो अम्मा आपकी गाड़ी में क्यों आई थी? उसकी तबीयत खराब थी, मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद उसे घर छोड़ा। कभी कभी दुनिया में जो कुछ नजर आता है हकीकत में वैसा होता नहीं। तुम्हारी माँ एक अजीम औरत है, भूख और इफलास इंसान को जिंदा निगल जाता है। इंसान अपना आप तो क्या, अपना ईमान भी बेच देता है। मैं हमेशा से तुम्हारी माँ को देखता हूं चौराहे पर झाड़न बेचते हुए। मेरी माँ भी झाड़न बेचा करती थी, कभी 10 रुपए की कभी 15 रुपए की, लेकिन 10-15 रुपए में सिर्फ रूखी सूखी रोटी मिल सकती, स्कूल की फीस नहीं दी जा सकती। मेरी मां ने 3-3 नौकरियां करनी शुरू कर दी मुझे पढ़ाने के लिए, और जब मैं मैट्रिक में पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरी मां बहुत बीमार है। उसने अपनी बीमारी की भी परवाह नहीं की मेरी खुशी के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए वो सब कुछ भूल गई, सब कुछ। और जब मुझे पता चला उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मां जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे माफ कर दे साहब, शानों की वजह से मैंने आपको और अम्मा को गलत समझा, बहुत बुरी।
बहुत बुरी हूँ साहब। ये लो तुम्हारी मां के पैसे, और अब तुम झाड़न बेचने नहीं आओगे। जब तक तुम्हारी मां ठीक नहीं हो जाती मैं तुम लोगों का खर्चा दूंगा। तुम और तुम्हारी बहन स्कूल जाने की तैयारी करो, स्कूल। साहब झाड़न? हाँ झाड़न। सुनो, कितनी कितनी